वक्त के साथ सरकारी शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। अभिभावकों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चार छात्रों ने वो कारनामा कर दिखाया जो अंग्रेजी के माध्यम की अच्छी से अच्छी शालाओं में पढ़ने वाले छात्र नहीं कर पाते। देखिए ये रिपोर्ट। अंजनगांव सुरजी के नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाले अजम फाउज, मोहम्मद सलमान साकी, मुदासिर नोमन, मोहम्मद सालिक अंसारी, इन चारों छात्रों ने जो कामयाबी हासिल की है वह वाक्य काबिल है। दरअसल इन चारों छात्राओं ने 10वीं की शिक्षा नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल से हासिल की, उसके बाद 12वीं की कक्षा शिक्षा भी उर्दू माध्यम से हासिल की और अथक मेहनत प्रयास से नीट परीक्षा में उत्कृष्ट कामगिरी की। यह वजह है कि पूरे इलाके में इनकी सफलता के चर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान साकिब और मेरा सिलेक्शन नागपुर के IGMC कॉलेज में हुआ है MBBS के लिए। मेरी कामयाबी का सबसे पहला रोल मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने ना सिर्फ पैसा खर्चा करके बल्कि हमारे लिए रात को दुआएं भी की, और हमारे असातिज़ा इकराम जिन्होंने कामयाबी की हर मंजिल पर हमारी रहनुमाई फरमाई, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मेरे उन दोस्तों के लिए एक मैसेज जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं कि साइंस की एक ईजाद जिसे मोबाइल कहा जाता है, इसका सही फ़ायदा उठाया जाए तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इससे करियर तबाह भी हो सकता है। और मेरे वालिद डॉक्टर तनवीर अहमद, इनका एक पर्सपेक्टिव है कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें ना सिर्फ हलाल रोज़ी बल्कि इसके अलावा ये दुआ और कौम की खिदमत का बहुत अच्छा ज़रिया है। चारों छात्रों को नीट परीक्षा में मिली सफलता के बदौलत पहल ही सूची में इन सभी को MBBS में दाखिला मिल गया। इनकी कामयाबी से इनके अभिभावकों में और अंजनगांव शहर में खुशी का माहौल है। मेरा बेटा सलमान साकिब, इसने इस साल नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया और नीट के एग्ज़ाम के अंदर उसको 541 मार्क्स लिया और MBBS के लिए क्वालिफाई हुआ। उसको नागपुर GMC के अंदर गवर्नमेंट सीट मिली और कॉलेज बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर 7 नंबर रैंक का कॉलेज है। और यहाँ तक के पहुँचने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद में उसके बाद जब ये बच्चे नीट की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो इनको NCERT का सिलेबस में स्टडी करना पड़ता है। अब ये बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से और CBSE क्लासेस से स्कूलों से जो पढ़ कर आते हैं बच्चे, उनके कॉम्पिटिशन में इन बच्चों को उतरना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और एक मरतबा में क्वालिफाई नहीं होने के बाद में दूसरी मरतबा में क्वालिफाई नहीं होने के बाद में तीसरी मरतबा, तो जब ये बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा रुझान है कि हमको क्वालिफाई करना ही है और उनके अंदर एक ज़िद है कि हमको गवर्नमेंट सीट के अंदर MBBS में एडमिशन लेना ही है, तो अपना ये काम बनता है कि अपन इन बच्चों को सपोर्ट करें। माना जाता है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वही एक विशेष बात यह भी है कि जो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करता है वही बुलंदी पा सकता है। आज शिक्षा को लेकर बहुत ही प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो अपनी मेहनत और लगन से पढ़ता है। ऐसा ही अंजनगांव सुरजी के विद्यार्थी ने कर दिखाया है। मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है कि मेरे पढ़ाए हुए नगर परिषद के ख़ास तौर से, जहां तमाम सहूलत की कमी, पायाभूत और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बावजूद वहां के चार बच्चों ने इस साल MBBS में दाखिला हासिल किया, नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की और MBBS में दाखला लिया है। इसके पहले भी एक बच्चा यहाँ से MBBS के लिए गया है।
नगर परिषद वो स्कूल है जहाँ जब बच्चों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी रहती है, अभी तक हमारे पास बिल्डिंग भी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत सारे बच्चों को कामयाब बनाया है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स हुए, इस साल 4 बच्चे नगर परिषद के खुशूसन MBBS के लिए, वो भी GMC नागपुर, GMC अकोला, IGMC नागपुर और CDMC अमरावती में इनका दाखिला हुआ है, जिसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। नीट परीक्षा में सफल होकर MBBS में दाखिला पाने वाले सभी छात्रों का कहना है कि अच्छा डॉक्टर बनकर अपने देश एवं मानवता की सेवा करना चाहता है। अथक और मेहनत परिश्रम सफलता की कुंजी है, और यह 4 छात्राओं ने, जिसमें नगर परिषद की एक छोटी सी स्कूल में शिक्षा पाकर विदर्भ के बड़े कॉलेज में दाखिला हासिल किया, जो वाकई प्रेरणादायी है। अंजन का सोजी से साजिश सौदागर की रिपोर्ट।